आप सभी का उमंग मैथ एकेडमी बाय सुनील के चैनल पर वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम। हमने इससे पहले इसकी कई वीडियो इसकी अपलोड कर दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए, आपको बेहतरीन ट्रिक मिलेगी। आज हमने कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में देखे और तुरंत सोल्यूशन करिए। ये पहला जो क्वेश्चन आपका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका कई एग्जाम में आ चुका है। लिखा कि इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू पाई अपान टू दिया है, देन हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, कास ए कास बी की। तो देखिए जो आपका दिया है यहाँ पर गिवन जो दिया है कंडीशन, ये आपकी दिया है, ये आपका दिया है पाई अपान टू, यानी ए प्लस बी, कैपिटल आपका ए है, कैपिटल आपका बी, इक्वल टू आपका पाई अपान टू दिया है। तो अगर देखिए आपका सिमेट्रिक फार्म लग रहा है तो यहाँ आप क्या करिए, यहाँ पुट कर दीजिए, पुटिंग करिए, ए इक्वल टू बी कर दीजिए किसी को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए प्लस आपका ए, दोनों आपका ए हो जाएगा, और ये आपका पाई अपान टू है, पाई अपान टू है, तो हो जाएगा आपका टू ए, ये हो जाएगा आपका पाई अपान टू, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू हो जाएगी पाई अपान फोर। तो दोनों क्या है आपका ए एंड बी क्या आपका इक्वल है, तो कितना हो जाएगा आपका पाई अपान फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पाई अपान फोर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू कास ए और आपका कास बी का, तो यहाँ रखिए आपका कास, ये आपका 45 यानी 45 अंश आपका हो जाएगा, ये भी आपका कास 45 यानी पाई अपान फोर, पाई अपान फोर ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी भी वैल्यू आएगी होगी 1/√2, ये भी आपका 1/√2 होगी, ये हो जाएगा आपका 1/2, इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, ये आपका देखिए यूपी पीजीटी 2009 का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा देखिए आपका यक्स अपान वन प्लस यक्स, ये आपका टेन यक्स दिया है, और हमें इसकी मिनिमा वैल्यू बतानी है, मिनिमा वैल्यू बतानी। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इसे हम लेट करते हैं, लेट मान लीजिए, लेट आप एफ एक्स बराबर मान लीजिए, ये आपका यहाँ पर लेट मान लीजिए। अब देखिए इसको चेंज करिए, उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा वन प्लस, ये आपका हो जाएगा टेन, यहाँ देखिए आपका यक्स है, ये हो जाएगा, एक बार और इसे आप लिख लीजिए, ये आपका एफ एक्स बराबर 1/x, ये आपका हो जाएगा 1+x, ये आपका टेन एक्स, इसका आप डेरिवेटिव करिए, ये हो जाता आपका है 1/, देखिए यहाँ पर पहले इसे आप अंदर कर दीजिए, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/x प्लस आपका टेन, देखिए क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो ईजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1/x², ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर, और जब आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है, तो यहाँ आप जीरो कर दीजिए, तो देखिए क्या जीरो जब करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका -1/x², ये आपका प्लस sec स्क्वायर x = 0। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए हो जाएगा आपका x² = आ जाएगा आपका cos² x, इसे चेंज हो जाएगा आपका, तो x बराबर देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos x, बस यही आपको cos x यही आपको फाइंड करनी थी, यहाँ पर देखिए आपका ये है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी पीजीटी में आ चुका है। लिखा कि द फंक्शन, ये आपका साइन एक्स लिखा है प्लस आपका लिखा कास एक्स इच मैक्सिमम इन द इंटरवल 0 से π दिया है। तो देखिए समय आप व्यतीत आप लोग करते हैं, सीधे आप क्या करिए, यहाँ पर लेट करिए, यहाँ पर देखिए आपका एफ एक्स बराबर आप लिखिए, हो जाएगा आपका साइन प्लस आपका कास एक्स, क्या हो जाएगा आपका कास एक्स, इसका डेरिवेटिव आप करेंगे क्या हो जाएगा आपका, डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
देखिए आप करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आप जब इसका करेंगे कास, देखिए आपका कास एक्स है, आपका साइन एक्स है आपका, ये आपका यहाँ पर देखिए साइन एक्स ब्रैकेट में आपका वन प्लस कास एक्स था, ये है। तो पहले वाले हमने किया कास, इसका किए तो आपका माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कास एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट में आपको हो जाएगा वन प्लस कास एक्स, ये आपका हो गया। तो जब इसके आगे देखिए हम करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसका करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप इसके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया इसका जीरो कर दिया, हमें क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होता है आपका डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है, तो ये हमने जीरो कर दिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जब करेंगे तो आपका माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस आपका साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, इसे ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू आपका जीरो। अब देखिए इसके साथ इसको लेंगे तो आपका बन जाएगा कॉस का हो जाएगा आपका कॉस टू एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस आपका हो जाएगा देखिए आपका कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए आपका, तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू एक्स और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, इसे देखिए आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस, यहाँ पाई माइनस एक्स करें तो माइनस आपका गायब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका टू एक्स और ये आपका पाई माइनस एक्स, तो यहाँ जब इसको करें तो आपका थ्री एक्स हो जाएगा, ये आपका पाई अब पाई हो जाएगा, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका पाई अपान थ्री हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका मिल रहा तो आप मार सकते हैं, नहीं तो इसके आगे जब हल करेंगे तो आपका जो है डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे इसका, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिल जाएगी। मान लीजिए हमने ये आपका है तो इसका जब मान लीजिए इसके एफ एक्स बराबर हमने यहाँ पर ये आपका जो है डबल इसका किए हैं तो आपका क्या आया है डेरिवेटिव किए तो क्या आया आपका, आया ये आपका आया कॉस टू एक्स और ये आपका प्लस कॉस, ये आपका इसका डबल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, तो ये आपका हो गया। जब इसमें आप रखेंगे इसकी वैल्यू तो ये आपका क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव अगर आपका आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू किस पर आपकी हो रही है, पॉइंट आपका पूछा है तो आपका इसी पर होगा। तो ज़्यादा लगाने कोई आवश्यकता नहीं, अगर मिल रहा है ऑप्शन जैसे हमने इससे निकाला था इसमें चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने क्या किया सिर्फ हमने जब देखिए ऑप्शन आपका मिल रहा है तुरंत आप मार सकते हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, यह है आपका नेक्स्ट वाला, इसी टाइप का अभी हम लगाए थे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा ये आपका आईआईटी में आ चुका है। लिखा कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए बी ग्रेटर देन आपका जीरो दिया है, देन मतलब एंड लिखा ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा आपका है इक्वल टू पाई अपान आपका, पाई अपान आपका थ्री लिखा है। तो यहाँ हमें देखिए टेन ए और टेन बी की वैल्यू निकाली, अभी हम बताए थे ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म इस तरह है, तो आप क्या करिए यहाँ पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए ए इक्वल टू आपका बी, तो यहाँ जब आप पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका ये टू, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे डायरेक्ट हम करते हैं, यह हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा टू ए अपान आपका पाई अपान थ्री, तो यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा पाई अपान सिक्स आ जाएगा। तो हमें किसकी निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी निकालनी है, आपका टेन ए आपका टेन बी है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए, जब रखेंगे टेन ये आपका पाई अपान सिक्स, ये भी आपका पाई अपान सिक्स सिक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है वन अपान रूट में थ्री होती है, ये भी आपका वन अपान रूट में थ्री होती है, हो जाएगा आपका वन अपान थ्री, तुरंत मारिए फटाफट। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, ये दो टाइप का लगता है क्वेश्चन, एक आपका माइनस में एक वीक होता है, तो हमने दोनों टाइप का लिया। यहाँ देखिए आपका लिखा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू पाई अपान फोर लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है आपका टेन, हमें इसकी क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी भी हमें देखिए आपका इसी टाइप का है, इसकी हमें क्या निकालनी है
मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ देखिए जब इसकी निकालनी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपका दिया है वन प्लस आपका लिखा टेन ए और आपका वन प्लस टेन बी दिया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधे क्या करिए, यह आपका सिमेट्रिक फॉर्म है तो लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं रखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट ए इक्वल टू हम क्या करेंगे पाई अपान फोर करेंगे, बी इक्वल टू क्या करेंगे हम जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये जो आपकी कंडीशन दी गई आपकी प्रूफ हो जाएगी। तब ये वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें आप रख दीजिए, ये आपका वन प्लस टेन यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका पाई अपान फोर हो जाएगा, और यहाँ आपका वन प्लस ये आपका टेन यहाँ आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितनी होती है पाई अपान फोर की टेन की वन होती है, और ये आपका वन प्लस ये आपका जीरो है तो ये हो जाएगा आपका टू और ये आपका वन यानी दो आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए ऑप्शन आपका ये वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका ये है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लिखा कि मैक्सिमम वैल्यू आपका लिखा फाइव कास थीटा प्लस आपका थ्री कास ब्रेकेट में आपका लिखा है थीटा प्लस पाई अपॉन थ्री माइनस वन, ये आपका लिखा है देखिए कास ये दिया आपका है, ये आपका ब्रेकेट में ये आपका लिखा पाई अपॉन थ्री ये आपका माइनस, यहाँ इसका जो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं तब ट्रिक आपका लगेगा, ये हो जाएगा आपका कास इससे करेंगे आपका थ्री कास, थ्री कास हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थीटा या आपका कास पाई अपान थ्री, और ये हो जाएगा आपका माइनस यहाँ भी आप थ्री कर दीजिए ये साइन थीटा और ये आपका साइन साइन पाई अपान आपका थ्री और ये हो जाएगा माइनस वन। अब देखिए इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पर आप रखेंगे क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वन, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी साठ अंश होता है आपका है यानी सिक्सटी की वैल्यू, ये होता है आपका वन अपॉन टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कास और ये हो जाएगा आपका यहाँ रखें क्या हो जाएगा ये आपका देखिए रूट में आपका हो जाएगा यह अपान आपका टू और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ये आपका माइनस वन माइनस वन। इसको देखिए सॉल्व आप करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका थर्टीन हो जाएगा आपका और ये आपका कास थीटा अपान टू आपका, देखिए जब इसके आगे क्या होगा आपका ये आपका थर्टीन अपान टू कास थीटा माइनस आपका ये वाला हो जाएगा आपका थ्री रूट में आपका थ्री रूट में आपका थ्री अपान टू और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये आपका माइनस वन। इसका देखिए आपका एक रूल लगता है यहाँ पर, यहाँ देखिए जब हम इसका निकाल देखिए आपका होता है यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ मान लीजिए आपका साइन थीटा या आपका प्लस माइनस होता है साइन थीटा प्लस आपका प्लस माइनस कास थीटा, इसकी देखिए आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी वन अपान यहाँ जो भी आपका कास्टिन मान लीजिए ए और बी है तो आपका ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर, सेम हम यहाँ पर रूल लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो वन सिक्सटी नाइन अपान फोर ये हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा नियम इसके अनुसार, तो हो जाएगा आपका देखिए ये आपका नाइन हो जाएगा इसमें आपका थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका ट्वेंटी सेवन अपान आपका फोर हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका वन नाइन्टी सिक्स हो जाएगा और अपान में आपका फोर है इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्टी नाइन आ जाएगा फोर्टी नाइन आ जाएगा और ये आपका देखिए माइनस वन यहाँ पर है तो हो जाएगा आपका सेवन और यहाँ देखिए आपका माइनस वन है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में तो आपका कितना हो जाएगा आपका सिक्स हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन आपका ये वाला सही है। ओके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट देखिए आपका है सेम उसी तरह आपका इसके भी हमें मैक्सिमम वैल्यू ही ज्ञात करनी एक तरीका से, तो यह देखिए आपका दिखा ए माइनस बी अपान पाई अपान फोर और यहाँ पर दिखा आपका टेन टेन ए वन प्लस टेन ए और वन माइनस टेन बी, तो यहाँ देखिए आप सेम वही तरीका यहाँ पर यूज करिए, यहाँ पुट करिए ए इक्वल टू आपका पाई अपान फोर और बी इक्वल टू क्या करिए जीरो, ये आपका है।
जब इसमें आप रखें कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाएगी और सीधे आप यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें आप पुट कर दीजिए। जब इसमें आप पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका, आपका टेन पाई अपान फोर, ये हो जाएगा आपका टेन, यहाँ पर जीरो कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी वन होती है, और ये आपका वन माइनस जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका टू मल्टीप्लाई वन, यानी आपका टू, टू मल्टीप्लाई वन, ये आपका टू आ जाएगा आंसर। इसमें मारिए फटाफट। ओके, चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये दो तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये है कि आप यहाँ पर क्या करिए, देखिए हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपका जो अभी रिजल्ट हम बताए थे कि यहाँ पर जो आपका है साइन थीटा प्लस, देखिए ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए आपका मिनिमम वैल्यू खातिर क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर माइनस होती है आपका, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरवल जो आपका दिया है जीरो से पाई अपान टू है, क्या आपका है जीरो से पाई अपान टू है, तब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो आपका क्वेश्चन करा कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपका दिया कोई फंक्शन, इसे हमें इंटरवल आपका दिया जीरो से पाई अपान टू दिया है, इसे हमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जब आप यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर इसकी निकालें तो क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका वन का स्क्वायर, तो आपका वन रहेगा आपका, फिर आपका वन इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका रूट में टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जब इसका करेंगे वन प्लस वन तो आपका रूट में टू आ जाएगा। यहाँ रूट ऊपर वाला गायब कर, नीचे वाला गायब करने के लिए क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका ये हो जाएगा अपान में, देखिए आपका ये इस तरह कर दीजिए, तो आपका गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में टू अपान टू, ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका रूट में टू अपान टू। जो इसका जो आंसर जो आपका आएगा मिनिमम आंसर जो इसका आया, क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका रूट में टू अपान आपका टू, रूट में टू अपान टू, ये आपका आंसर होगा। इसमें देखिए तो ऑप्शन ये आपका सही है। अगर वो भी तरीका आपको नहीं आ रहा तो सिर्फ बुक वाले नियम से करेंगे। इसके इक्वल टू जो आपका एफ एक्स है, यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर वाई बराबर इसको मान लीजिए, ये हो जाएगा आपका यह, अब इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस आपका साइन एक्स इक्वल टू आप जीरो कर दीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर पाई अपान फोर आ जाएगा, पाई अपान फोर आ जाएगा। तो इसमें आप रखेंगे तो देखिए, तो आपका देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ रख दीजिए आप, तो रखेंगे आपका हो जाएगा, यहाँ रखेंगे साइन पाई अपान फोर, ये भी आपका साइन, देखिए आपका ये भी आ जाएगा 45। अब यहाँ पर आप रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए वन अपान रूट में टू, और ये भी आपका हो जाएगा वन अपान रूट में टू। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर तो आपका टू आ गया, आ जाएगा रूट में टू आ जाएगा, नीचे आपका टू आ जाएगा। देखिए जो तरीका है जो आप यूज करें, देखिए दोनों तरीके से आपका लग गया। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ पर है पेज, ये आपका दिया है, लिखा कि द फंक्शन वाई इक्वल टू आपका लिखा है ए ब्रेकेट में लिखा आपका वन माइनस थीटा का लिखा है, वन माइनस आपका थीटा लिखा है, करा कि इच मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, किस किस पॉइंट पर होगी आपकी, तो ये आपका दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करिए, जब इसे हम सॉल्व करें देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये दिया है, इसका आप डेरिवेटिव करिए, हमने कहे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा आपका ए साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। जब आपका साइन थीटा आ गया, यहाँ पर आपका थीटा आ गया, तो यहाँ पर देखिए क्या करिए आपका, इसके इक्वल टू क्या करिए, जीरो कर दीजिए। आपको पता है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डी बाई डी एक्स क्या होती है आपकी, जीरो होती है, तो यहाँ पर हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए
जो आपका साइन है थीटा, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और किस पर एक होता है, एक और होता है आपका, है ये आपका पाई भी हो जाएगा, इसका जीरो मान। साइन आप रखेंगे पाई तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इसकी वैल्यू भी जीरो। तो इसके दो आपके इंटरवल मिले हैं। अब एक बार इसका और कर दीजिए, जब दूसरी बार आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप करेंगे तो आपका ए हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ कास थीटा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका कास थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जब करेंगे दूसरी बार डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए कास थीटा। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, जब यहाँ पर रखेंगे आपका जीरो पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर पाई रखेंगे तो हो जाएगा आपका साइन या आपका कास पाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका निगेटिव आएगा। तो निगेटिव पर आपका मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, तो यहाँ जो एक्स बराबर आपका पाई भी आपका, देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, निगेटिव आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती जो रूल होता है आपका, तो ये आपका होता है, इसमें जो ऑप्शन जो आपका है ये देखिए आपका, ये पाई वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है, लिखा कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू एक्स आपका है, वेयर कर रहा है आपका जो फंक्शन आपका दिया है एफ एक्स, ये दिया आपका कास एक्स, और ये आपका दिया है कास, और रूट के अंदर आपका टू एक्स, ये आपका कर रहा है। इस पर बता रहा है किस पर, किस नंबर पर आपका नंबर जो आपका आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन कर रहा, पहले इसका क्या करिए, डेरिवेटिव करिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका, देखिए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस आपका साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ देखिए आपका प्लस जो आपका होता है माइनस हो जाएगा आपका, रूट में आपका बाहर चलाएगा, ये आपका कास, रूट में आपका देखिए साइन हो जाएगा, सॉरी ये आपका साइन, रूट में आपका टू, रूट में आपका टू, और ये आपका यक्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर एक बार और क्लियर करके लिख दीजिए आप, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका रूट में टू, ये आपका साइन, रूट में आपका टू एक्स, ये आपका होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या किया, एक्स बराबर ये आपका क्या होती है, ऑलरेडी आपका जीरो होता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपका जीरो करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने क्या किया, एक्स बराबर अगर जीरो यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर जीरो अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर भी आपका जीरो ही आ जाएगा। तो आपका एक सलूशन आपको मिल गया, क्या आपका है, यहाँ पर हिंस लिखिए, हिंस एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, ओनली, यहाँ पर लिखिए ओनली सलूशन, क्या है ओनली आपका ये सलूशन हो जाएगा, ओनली आपका एक ही सलूशन होगा, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ क्या है वन सलूशन, ये आपका होगा। तो यहाँ पर जो आपका जीरो आ रहा है, तो अगर मान लीजिए हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया, यहाँ मान लीजिए इसका हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डबल करिए, ये हो जाएगा आपका कास एक्स हो जाएगा, और ये आपका टू हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका ये टू हो जाएगा, क्योंकि रूट आपका बाहर हो जाएगा, ये भी आपका कास हो जाएगा, कास आपका टू एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने जीरो यहाँ पर पुट करते हैं, जीरो यहाँ पर पुट करते हैं, तो हो जाएगा आपका कास जीरो, और ये हो जाएगा आपका टू कास जीरो। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी वन होती, तो यहाँ देखिए आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए आपका है, जब इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए जब इसका करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ये, और यहाँ पर जब आप करेंगे ये आपका देखिए कास, जब इसे करेंगे कास कास आपका साइन साइन दिया था, आपका कास कास दिया था, तो ये आपका हो जाएगा। जब यहाँ पर आप करेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ रख दीजिए आप, जब रखेंगे जी क्या हो जाएगा आपका माइनस वन, अब ये भी आपका क्या आ जाएगा माइनस टू, और ये आपका ये आ गया, तो आपका माइनस थ्री आ रहा है। तो आपका किस पर हो रहा है, एक्स बराबर जीरो पर हो रहा है। तो आपका जो कितना सोल्यूशन आपका है, किस नंबर पर आपका यहाँ सोल्यूशन पूछा है, तो आपका कितना है आपका है वन पर हो रहा है, कि आपका एक ही वन है आपका, एक ही सोल्यूशन आपका, तो इसमें जो ऑप्शन आपका है ये वाला आपका सही है।
तो ये आपका निगेटिव आएगा, तो इसलिए आपका क्या है मैक्स, देखिए यहाँ पर जो x बराबर आपका जीरो है तो यही आपका क्या है मैक्सिमम होगा। तो आपका एक ही यहाँ पर x बराबर एक ही सोल्यूशन आपका मिला है, तो आपका एक ही यहाँ पर नंबर आप x जो आपका पूछा है तो आपका सिर्फ एक ही जो ऑप्शन दिया है वन यही आपका सही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए मेरे चैनल से जुड़िए और बेहतरीन टिक लीजिए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।